अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रैबर खान और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फोटोशॉप और स्नैपसीड का यूज़ बताने वाला हूं, दोनों को एक साथ यूज़ करके दिखाने वाला हूं, दोनों के इफेक्ट मिला के। तो फ्रेंड्स, अगर इस वाली जो एडिटिंग के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन है या फिर मेरी जो वीडियोज़ हैं और भी उनके बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको और यहाँ स्क्रीन में भी वो नंबर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप फोटोशॉप एक्सप्रेस को खोल लीजिए और यहाँ से गैलरी से एक फ़ोटो जो है इंपोर्ट कर लीजिए। मुझे ये वाली करना है तो मैं इसे कर लेता हूँ। तो देखिए, जैसे कि ये फ़ोटो आ गई है आपकी स्क्रीन पे। अब आते हैं हम इससे में थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ा देते हैं, इस वाले टूल से चार थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट जो है स्मूथ हो गई है पूरी फोटो। और कलर को भी बढ़ा देते हैं, कलर को कम करके देखते हैं, बढ़ा देते हैं। और यहाँ से हम इसका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बस। और यहाँ से शेडो को थोड़ा सा कम कर देते हैं, वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। चलिए ठीक है, इतनी इमेज जो है ठीक है, ये वाली जो इमेज है परफेक्ट है। यहाँ से एक आध जो इफेक्ट चला के देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से तो कोई इफेक्ट मुझे अभी मेरी फ़ोटो के लिए समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसे सिंपली शेयर में जाऊँगा और इसे शेयर विथ कर दूँगा। ये लोडिंग बहुत ले रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये शेयर की जो है ऑप्शन आ गए हैं, मैं इसे सिंपली शेयर कर देता हूँ स्नैपसीड से। स्नैपसीड में आने के बाद हम सिंपली इसमें जो है मेन, सबसे मेन काम है जो सिलेक्टिव, वो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हमारे फेस का, थोड़ा सा ब्राइट कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्राइट कर लेते हैं इसका जो फेस है। और यहाँ से भी मैं एक और लेके थोड़ा सा हाथ को भी ब्राइट कर लेता हूँ, एक और लेके ये वाला भी हाथ ब्राइट कर लेता हूँ। हम थोड़ी सी टी शर्ट को जो है डार्क कर लेते हैं और कुछ कर सकते हैं इसमें, ये इतना ठीक है। और यहाँ से ट्यून इमेज में जाके थोड़ा सा इमेज को जो है ट्यून कर लेते हैं, यहाँ से एम्ब्रेंस को बढ़ा देते हैं, शेडो एडजस्ट हाइलाइट्स। चलिए, इतनी इमेज ठीक है। अब यहाँ से जाने के बाद सिंपली हीलिंग में जाएंगे और हम थोड़ा सा फेस को भी जो है क्लियर कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा गॉगल चेंज कर लेते हैं। गॉगल चेंज करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा ब्लू बढ़ा देता हूँ इतना, और ग्रीन को थोड़ा कम कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं।
चलिए इतना ठीक है। तो सिंपली इतना करने के बाद आप लेयर में जाइए, व्यू एडिट्स में जाइए, कर्व्स में, और इसे एडिट कर लीजिए। ब्रश को 100% रहने दीजिए और यहाँ से सिंपली आप गॉगल में इसे चला दीजिए। तो ये जो है ओरिजिनल कलर जो है इसमें एडिट हो जाएगा। वो जो आप पिक्सआर्ट से करते हैं वो नेचुरल नहीं रहता, वो ऐसा लगता है कि अलग से किए हैं अपन ने, तो वो चेक होता है। देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है कि ओरिजिनल ही है। तो सिंपली से ओके कर देते हैं। अब आते हैं मेन चीज़ जो मुझे बहुत से लोगों ने बोला है कि आप स्नैपसीड में जो है ब्लर बैकग्राउंड कैसे कर सकते हैं, तो वही चीज़ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए सिंपली जाइए आप लेंस ब्लर में। लेंस ब्लर में जाने के बाद आप इसके पॉइंटर को पूरा छोटा कर दीजिए पूरा, और यहाँ से जाने के बाद आप इस मेनू में जाइए, ट्रांजिशन को बिल्कुल कम कर दीजिए। ब्लर आप जितना रखना चाहते हैं आपकी इमेज में उतना रखिए, मैं इतना रखना चाहता हूँ, और विंटेज को भी पूरा कम कर दीजिए। और यहाँ से सिंपली ओके करिए। ओके करने के बाद आप यहाँ से लेयर एडिट में जाइए और यहाँ से लेंस ब्लर को एडिट कीजिए, और सिंपली आप इसे यहाँ से 100% रहने दीजिए ब्रश को, और यहाँ से जितना भी पार्ट आपका बैकग्राउंड है उसे ब्लर कर दीजिए। तो सिंपली ऐसे ही करना है, तो मैं इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं लेंस ब्लर का यूज़ करके हमने इसके लेयर को एडिट करके कितना मस्त इसमें जो है ब्लर हो गया है। देखिए पहले का ब्लर और अभी का ब्लर देखिए। तो इस तरीके से आप इसमें ब्लर कर सकते हैं। जिन जिन को भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो देखिए इस टाइप से फ़ोटो थी आपकी जो इस तरीके की बन गई है। हम सिंपली इसमें थोड़ा सा और इफ़ेक्ट डाल देंगे, जैसे हम ब्लू थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसका हल्का सा, और यहाँ थोड़ा सा विंटेज लुक दे देंगे। ये वाला दे देते हैं हम, इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, स्टाइल स्ट्रेंथ को कम कर देंगे, विंटेज को भी थोड़ा सा कम कर देंगे। तो चलिए इतना ठीक है। अब इसे ओके करके हम इसमें अपना लोगो लगा देते हैं। टेक्स्ट में जाके डबल टैप RK फोटोग्राफी, और यहाँ से हम इसकी स्टाइल चेंज कर लेते हैं। कहेंगे स्टाइल कोई अच्छी सी, ये वाली ठीक है, इसमें यहाँ फिट कर देते हैं इसे। इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए तो सिंपली इस टाइप की एडिट कर सकते हैं आप। सिंपली स्नैपसीड से ही हुई है ये एडिट बहुत ही कम टाइम में, और इसमें फोटोशॉप एक्सप्रेस बहुत कम यूज़ हुआ है, सिर्फ उसके लिए यूज़ हुआ है स्मूथ के लिए थोड़ा। तो आप स्मूथ तो यहाँ से भी कर सकते हैं एनहेंस से। तो यहाँ से जाके सिंपली देखिए फेस डिटेक्ट करता है, और यहाँ से मिडिल में जाके स्किन स्मूथ कर देंगे तो और भी स्मूथ ये हो गई है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।